सो गुड आफ्टरनून, आज हमारे पास एक और इम्प्लांट है जहाँ पे हम ग्रॉसली डिकेड 16 और 17 ग्रॉसली डिकेड है, हम उसको निकालेंगे, वहाँ बोनग्राफ देंगे और इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट करके इम्प्लांट देंगे। 16 में भी सेम वे इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट करके इम्प्लांट डालेंगे और 36 रीजन में एक और इम्प्लांट डालेंगे। सो हम ट्राई करेंगे कि अभी एक बज रहा है, 1:10 या 1:15 तक हम 3 इम्प्लांट खत्म करते हैं, 10 मिनट में या 15 मिनट में। तो केस ये रहा, तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं केस जो है ग्रॉसली डिकेड है, वो विल टेक इट आउट और हम वहाँ पे ग्रॉसली डिकेड वो निकाल के हम वहाँ इम्प्लांट अभी डाल देंगे। तो वी आर गोइंग फॉर द शॉर्टर इम्प्लांट क्योंकि वहाँ पे साइनस डोरा देख पा रहे हैं पूरा पास ही है। मोलस में थोड़ा सा पैलेटल जाना जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं जा रहे हो तो वो फिर हिट करेगा जाते। तो ये मैंने ड्रिल कर दिया, नाउ आई विल क्लिक, तो इट्स परफेक्ट। ये भी परफेक्ट है, वो भी परफेक्ट है, वो थोड़ा सा और जाएगा। ये डायरेक्ट साइनस लिफ्ट आप देख पा रहे हैं हो गया, 40 टॉर्क मेरे को मिल गया 6 में, तो इट्स नाइस। मैं थोड़ा और 2 टॉर्क मैं दूंगा। नॉर्मली आई प्रीफर हैंड टॉर्क क्योंकि मैं थोड़ा फील भी करूं इम्प्लांट को, पोजीशन और सब। ये मेरा ये भी एक काइंड का इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट हो गया। और अब कवर स्क्रू डाल देंगे, कवर स्क्रू डालने के बाद ग्राफ्टिंग करने के बाद आई विल टेक 1 मोर एक्सरे और वहां पे विल प्लेस द ग्राफ्ट्स। अब हम ग्राफ्ट्स डाल देंगे वहां। नॉर्मली आई यूज बायोस ग्राफ्ट्स जो मैं प्रीफर करता हूँ डालने के लिए सॉकेट्स में। मैं एक बार सूचरिंग भी कर लेता हूँ, फिर एक्सरे ले लेता हूँ ताकि केस कंप्लीट हो जाए, फिर मेरे को टाइम लॉस ना। नॉर्मली आई प्लेस द कंटिन्यूअस सूचरिंग। सूचरिंग थोड़ा बेहतर हो इम्प्लांट्स में तो एक्चुअली इट हेल्प्स इन ओसियो इंटीग्रेशन और आपको फिर बाद में इवन दो इम्प्लांट थोड़ा सा लूज रहे वो हेल्प करता है वो क्लॉट को वहाँ पे रखने के लिए और इट विल डेफिनेटली हेल्प योर ग्राफ्ट्स एज वेल, मेश बन जाता है। तो ऑलवेज ट्राई फॉर ए गुड सूचरिंग जो कि वो भी नेसेसरी है। नो डाउट इम्प्लांट प्लेसमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी, उसके साथ हमारा जो है ग्राफ्टिंग के बाद। सो ये मेरे 2 इम्प्लांट लग गए, एक बोन ग्राफ्ट देखे हैं और प्रीवियस और ये आप देख पाएंगे वहां पे कैसा है। तो बोन से मैं ट्राई करता हूँ, तो ये लगभग हो ही गया, बस हम एक एक्सरे फाइनल ले लेंगे। चला गया अंदर अभी और हम अभी एक्सरे ले लेंगे, उसके बाद पैरेलल सब ठीक है। पीठ दोनों भी बीच में भी ठीक है और एवरीथिंग इज फाइन। साइनस लिफ्ट का अगर आप देखें तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी ठीक है, इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट जो हमने किया है। और मेरा ये सूचरिंग अभी हो रहा है तो मैं अभी सूचरिंग कंप्लीट कर लूँगा। इट विल टेक डेफिनेटली हेल्प यू इन, मतलब जो पेरी इम्प्लांटाइटिस है वो थोड़ा सा मैंने देखा है कि बच जाता है अगर आप सूचर ढीला रखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा टिश्यूज वगैरह होने के चांसेस हमेशा रह जाते हैं। बट जब आप ये क्लिनिकली 6 जगह है जो आप देख पाएंगे, सूचर कंप्लीट हो गया, ब्लीडिंग भी बंद हो गया।
इट्स ऑल फाइन नाउ। और ये अपर है, अपर का जो एरिया है यहाँ पे भी ब्लीडिंग वगैरह नहीं, ऑल फाइन दोनों जगह। तो मेरा काम ये कंप्लीट हो गया, बेहतर हो। तो दिस इज हाउ वी प्लांट, ये जो प्लांट केस है अगर आप देखें तो ये था उसका एक्स्ट्रा 7 था जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करने वाले थे। यहाँ पे ग्राफ्टिंग था, ये साइनस के पास है तो मुझे यहाँ इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट करना था। ये भी साइनस बहुत पास है तो मुझे यहाँ साइनस लिफ्ट, वही सेम इनडायरेक्ट ही था। तो ये दोनों जो मैंने थोड़ा सा टिल्ट करके डाला है पैलेटली, ये भी मैंने थोड़ा सा पैलेटली डाला है। और यहाँ ग्राफ्टिंग मैंने बोन ग्राफ्ट वगैरह कर दिया। तो और नीचे का ये था हमारा लोकेशन यहाँ पे डालने का, तो हमने सेम वे मैंने यहाँ डाल दिया। मुझे यहाँ 40 टॉर्क अचीव हो गया, मैंने वहाँ पर ये भी थोड़ा सा अंदर रखा है, स्क्रू ऊपर है और इतना काफ़ी है। ये रूट अगर आप देखें तो इससे ये ठीक है, ये केनाल है तो केनाल से बहुत ज़्यादा ऊपर ही है हम लोग। दिस इज हाउ वी प्लेस द इम्प्लांट। और हमारा नॉर्मली हम इम्प्लांट के वर्कशॉप्स वगैरह वगैरह सारा कुछ हमारा होता रहता है। तो यू पीपल कैन ट्राई, हमारे पास आएंगे तो यू कैन डू द इम्प्लांट वर्कशॉप एज वेल। हमारा फुल वीडियोस वगैरह और यूट्यूब में भी है, er.sanjeevraut के नाम से। तो आप अगर जाएंगे वहाँ पे यू कैन सी अ लॉट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग क्रिएटिव वीडियोज। सो थैंक यू, डू विजिट आवर चैनल बाय एक्सेलेंट।